गरम कॉफी के साथ में संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। आज सुबह जल्दी उठ करके, जैसा कि आप सभी को पता है मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो सुबह जल्दी उठ करके मैंने अपने बालों में ना कलर कर लिया था थोड़ा सा। यहाँ से है ना मेरे ना वाइट बाल आने लगे हैं, यहाँ की साइड से और इधर की साइड से। तो कुछ भी जैसे कोई भी यूँ डिज़ाइन की चोटी करती हूँ ना, तो वो दिखते हैं ऐसे, नॉर्मली नहीं दिखते हैं, पीछे भी नहीं है, कहीं नहीं है, बस यहाँ पर दो चार बाल आ गए, यहाँ पर भी आ गए। तो मैंने सोचा यहाँ इन बालों को कलर कर लेते हैं। तो मैंने सुबह सुबह कलर करके और फिर सारी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह जो भी मैं करती हूँ वो करा मैंने। और अभी मैंने सुबह चाय पी ली थी एक बार, फिर उसके बाद में मैंने एक छोटी सी नैप भी ले ली थी, क्योंकि आज संडे है तो हर्षित का भी जाने का कुछ वो नहीं था और हस्बैंड जी भी 9:30 बजे तक उठते हैं और मेरा काम भी जल्दी हो गया था और आज मुझे पूजा भी नहीं करनी थी। तो मैंने क्या करा, सुबह सुबह ना एक कप छोटी सी चाय लेकर के, थोड़ी सी चाय लेकर के, और फिर उसके बाद में मैं सो गई थी, क्योंकि कल रात को मुझे सोते सोते काफ़ी देर हो गई थी, 1-2 ऐसे कुछ बच गया था। तो मैंने सोचा कि सो जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। और अभी जस्ट उठी हूँ और अभी बस मैंने सैंडविच लिया है एक, और कुछ भी खाओ ना, पराठा खाओ, सैंडविच खाओ या पोहे खाओ, उसके साथ में अगर कुछ पियो नहीं ना, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, कुछ भी, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी इंस्टेंटली बन जाती है और साथ में ना आई हुई रखी है और वो वेस्ट हो रही है, इससे अच्छा है कि मैं बना करके पी लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बनाते हैं, इंजॉय करते हैं आज संडे को कॉफ़ी के साथ में। एक्चुअली ना हर्षित को भी कॉफ़ी काफ़ी पसंद है और उसके चक्कर में मैं फिर बना नहीं पाती, क्योंकि बच्चों को चाय कॉफ़ी इतना ज़्यादा वो नहीं रहता ना, हेल्दी ऑप्शन। इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि वो देखता है तो फिर उसका भी बड़ा मन कराता है पीने का कॉफ़ी। और यहाँ पे ना अभी मैं कपड़े लेकर के बैठ गई हूँ, मैंने कॉफ़ी पी है उसके बाद में, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद में, अब मैं बस है ना सबसे पहले कपड़े ही धो रही हूँ, क्योंकि अभी वेदर ऐसा चल रहा है ना तो धूप का कोई भरोसा नहीं है, कब चली जाए, फिर कपड़े सूखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, अंदर सुखाओ तो फिर ना निचोड़, मतलब निचोड़ते हैं ना, टपकता है पानी तो अंदर बहुत है ना ऐसे गीला गीला सा हो जाता है, और फिर ऐसे मौसम में तो वैसे ही इतना ज़्यादा गीला गीला रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह ना उनको धो लिया है। आज एक्चुअली ना मैंने एक पर्दे उतारे थे मंदिर का, और मंदिर के पास में जो आले लगे हुए हैं ना आपने देखे होंगे, जहाँ पर मैं मंदिर का सामान भी रखती हूँ, हर्षित के कपड़े रखती हूँ, तो वहाँ पर ना मैंने फिर उसको वहाँ से ना पर्दों को उतार के उनको भी धोया है। और यहाँ से ना पूरे बाथरूम को, जैसे कपड़े वगैरह धोती हूँ तो एक झाड़ू से ना झाड़ देती हूँ मैं ही नहीं, जैसे हस्बैंड जी नहाते हैं तो वो भी फिर झाड़ करके जाते हैं, और हर्षित भी नहाता है तो वो झाड़ करके जाता है, हम लोग है ना बाथरूम में एक बार नहाते हैं तो फिर साबुन रह जाता है नहीं तो। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और इन कपड़ों को बस मैं सुखा करके आऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप आ रही है तो सही है कि ना निचुड़ जाए, अगर निचुड़ भी जाएंगे ना तो उससे भी बहुत ना फ़ायदा हो जाता है कि अंदर फिर डले डले हवा में पंखे में सूख जाते हैं, लेकिन अगर पानी टपकता रहता है तो फिर अलग हो जाता है, क्योंकि पर्दे वगैरह ऐसी चीज़ है जो अंदर ज़्यादा निचुड़ भी नहीं सकते हैं हाथ से, तो इसलिए ना इनको मैंने अभी यहाँ पर सुखा दिया, डाल दे रही हूँ कपड़ों को। और कपड़े सुखा करके आ गई थी और अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं प्याज का बेसन बना रही हूँ। वैसे मैं ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो, इनफैक्ट अगर दही भी नहीं होना तो उस टाइम पे भी आप इस सब्ज़ी को ईजीली बना सकते हो। इसके लिए बस आपको प्याज, बेसन चाहिए होता है और जो बेसिक मसाले होते हैं वो। तो यहाँ पे मैं प्याज को है ना लंबा लंबा कट कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं बेसन लूँगी, तो मैं 1.5 चम्मच बेसन लूँगी। एक्चुअली मेरे हम लोगों के लिए ना 1.5 चम्मच बेसन काफ़ी रहता है, क्योंकि बेसन है ना पानी में जा कर के और गैस पर ना बहुत ज़्यादा फूलता है, तो मैं यहाँ पर ना 1.5 चम्मच बेसन लिया है मैंने। तो उसको बस बेसन को लेने के बाद में इसको घोल लूँगी थोड़ा सा पानी डाल करके, और इसके अंदर ही ना मैं मसाले भी इसी टाइम पर ऐड करूँगी। तो देखा ना कितना लिक्विडी कर दिया है, बहुत जैसे कड़ी बनाते हैं ना ऐसा घोल हमको तैयार करना है। इसके बाद में मैंने इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी, मसाले मैंने पहले से ही निकाल के रख लिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, इन सारे मसालों को इसके अंदर डाल देंगे। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मसालेदार नहीं किया ना प्याज के हाथ ना लगे। तो ये मेरा हो गया
घोल तैयार। बस यहाँ पर गैस भी ऑन कर ली है। और इस कढ़ाई के लिए आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी इसमें ना सब्ज़ी वगैरह जल्दी नहीं है क्या? नहीं, इसका जो बॉटम है ना वो बहुत हैवी है, अच्छी है मतलब ये कढ़ाई। और स्लो गैस पे बनाओ ना तो कुछ भी नहीं लगता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है और मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना वो इंडियन कुकिंग के लिए ना सबसे बेस्ट है, ईजीली मिल भी जाता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। मैंने जीरा भी निकाल लिया था पहले से ही, सारी सब मसाले निकाल लेती हूँ क्योंकि फिर भगवान जी के भोग के लिए भी मैं वही मसाले यूज़ में लेती हूँ ना, तो पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ मसालों को, ताकि प्याज के हाथ जो है वो मसालदानी के ना लगे। यहाँ पे प्याज डाल लिया था और उसके बाद में इसको भून लूँगी, और इसको है ना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना सा भून लो कि ना इसकी किनोरी जो है वो रेड रेड सी हो जाए। यहाँ पे ये घोल भी तैयार है हमारा, तो बस इसको इसके अंदर डाल देंगे। और कढ़ी के अंदर जैसे बिल्कुल पानी डाल देते हैं ना, लिक्विड ही करते हैं, फिर बाद में वो गाढ़ी हो जाती है, इसी टाइप से इसको बनाते हैं। लेकिन ये है ना कढ़ी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मतलब जैसे कढ़ी तो थोड़ी लिक्विड ही होती है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर इसके भगोनी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके, और फिर मैंने इसके अंदर जो लग गया था बेसन वो भी मैंने छुड़ा लिया है और इसके अंदर पानी और डाल दिया है। और ये देखिए इसका लिक्विडपन, मैं दूसरी स्पून से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी थोड़ी देर में पता है ये ना अच्छे से फूल जाए। क्योंकि आज मैं भोग का खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैंने सोचा कि प्याज का बेसन बना लेते हैं। काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, तो वैसे तो मैं सोची थी शाम के टाइम में बना लूँगी, लेकिन कल खिचड़ी बना ली थी तो अभी मैंने ये बना लिया है। हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और हर्षित को भी, हम तीनों को ही पसंद है। ये तो सब्जी बनने रख दी है और आटा मैंने लगा लिया है, अब बस मुझे करने हैं ये बर्तन ब्रेकफास्ट के साथ करने, बहुत सारे हो गए। आटा लगाया था, उसकी परात वगैरह सब कुछ पड़े, और आलू बॉयल किए थे, उसका कुकर भी रखा हुआ है, तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए बर्तन माँज लिए जाएँ, क्योंकि बर्तन सिंक में होते हैं ना तो थोड़ा बर्डन सा लगता है मुझे, और जैसे रूम को साफ़ कर, मतलब रूम में ना बेड को साफ कर दो, बेड बना दो तो ऐसा लगता है कि रूम साफ़ हो गया, ऐसे ही सिंक में अगर बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि काम ही हो गया, और एक आटा लग जाए तो। और यहाँ पे सिंक में जब बर्तन होते हैं ना तो कांच के बर्तन होते हैं, तो सबसे पहले मैं कांच के बर्तन ही माँजती हूँ, क्योंकि एक दूसरे को बर्तनों को उठाओ तो इनके लुढ़कने का डर रहता है, और फिर लुढ़क करके इनके ना हैंडल टूटने का डर रहता है। तो मैं पहले ना कांच के बर्तनों को ही माँज करके रखती हूँ। और जो मैंने बास्केट में कर दिखाया था ना वो धुला ही था, मैं कभी भी बास्केट में बिना धुले बर्तन नहीं रखती, कहीं आपको लगे कि मैंने बिना धुला ही कुकर रख दिया था बास्केट में, नहीं वो धुला हुआ था। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को माँज लिया है, और एक बार इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है, और मतलब बेसन जो होता है वो फूलने लग गया है, थोड़ी देर में ये और ज़्यादा फूल जाएगा। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये तेल सेपरेट नहीं कर देगा और साथ में कढ़ाई को भी नहीं छोड़ देगा, नहीं तो ये थोड़ा कच्चा रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इसको है ना कुक होने देंगे। मतलब जैसे कढ़ी को बनने में टाइम लगता है ना, ऐसे इसको भी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको यहाँ पर ना इसी तरह से बनने देंगे। और क्योंकि कल ना तीज है, तो इस हरियाली तीज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना मेहंदी लगा ले रही हूँ, लहरिया लगाया है हाथ में एक्चुअली, और यहाँ पे मैंने राधे कृष्णा लिख लिया है, तो इस तरह से मैंने ये लगाई थी। तीज की तैयारी आप लोगों की कैसी लग रही बन हो रही है बताइएगा, और तीज कैसी बनी ये बताइएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो आएगा जब तक तो है ना ये तीज हो चुकी होगी, तो तीज कैसी रही आप लोगों की बताइएगा ज़रूर। और आप सभी को सिंजारे और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। मेहंदी में मैंने राधे कृष्णा लिखा है इस पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कल के लिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, और मेहंदी का रंग भी देखिए इस तरह से आया है, और हो जाएगा थोड़ा शायद कल तक, पता नहीं देखते हैं। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय माता दी।